लोमड़ी और कौवा। कुछ समय पहले की बात है, जंगल में एक बहुत ही चालाक लोमड़ी रहता था। एक दिन लोमड़ी को बहुत भूख लगी थी और उसे कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक पेड़ की शाखा पर एक कौवा अपनी चोंच में क्रीम बिस्कुट लेकर बैठा है। बिस्कुट को देखते ही लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया और वो उसे खाने के लिए तरकीब सोचने लगा। लोमड़ी पेड़ के नीचे खड़ा हो गया और कौवे से कहा, प्यारे मित्र कौवे, कल मैंने जंगल के राजा शेर से सुना था कि तुम बहुत मीठा गाते हो, लेकिन मैंने कभी तुम्हारा गाना नहीं सुना है। क्या तुम मेरे लिए एक गाना गा सकते हो? कौवा लोमड़ी के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर बहुत खुश हो गया और गाना गाने के लिए अपना मुंह खोलकर गाने लगा। जैसे ही कौवे ने अपना मुंह खोला तो उसकी चोंच से बिस्कुट नीचे गिर गया। चालाक लोमड़ी ने बिस्कुट को तुरंत खा लिया और वहां से भाग गया। अगले दिन लोमड़ी फिर कौवे के पास से गुजर रहा था। इस बार उसने देखा कि कौवे की चोंच में केक का एक टुकड़ा है। लोमड़ी को वो केक का टुकड़ा खाना था। वो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा था। उसने कहा, प्यारे मित्र कौवे, मुझे कल के लिए क्षमा कर देना। तुम्हारा गाना कल बहुत मिठास से भरा था और मुझे गाना सुनना भी था, लेकिन पास में मुझे एक खरगोश दिखाई दिया तो मैं भाग गया। कृपया करके गाना फिर से सुनाओ। इस बार कौवे को लोमड़ी की चाल समझ में आ गई। वो केक का टुकड़ा अपनी चोंच में लेकर अपने घोंसले की तरफ उड़ा। केक के टुकड़े को अपने घोंसले में सुरक्षित रखकर कौवा वापस उस डाल पर आ गया जहां वो पहले बैठा था और जोर जोर से गाने लगा। कौवे का गाना लोमड़ी से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो वहां से भाग गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों को मूर्ख बनाकर उनका फायदा नहीं उठाना चाहिए।